नमस्कार, मैं आपका अजीत कुमार। आप देख रहे हैं विस्तार टाइम। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिका पर फिर भड़का चीन, कहा अमेरिका चीन के आंतरिक मामले में दखलंदाजी बंद करे। यूपी के डीजीपी होमगार्ड ने ली शपथ, अयोध्या में बनाएंगे राम मंदिर। 1962 के बाद इस बार डिफेंस का बजट रहा सबसे कम, नौसेना की पूरी होंगी जरूरतें। मिर्जापुर में 35,000 के नकली नोट बरामद, पुलिस ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते भारत आ रहे थे नोट। नेपाल में बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, तीर्थ स्नान कर लौटने लगे कल्पवासी, दान का सिलसिला जारी। कानपुर लखनऊ के बीच बनेंगे दो रेल ट्रैक, मालगाड़ी लोकल ट्रेनों के रास्ते होंगे अलग अलग, रेल मंत्रालय बना रहा है योजना। योगी सरकार 15 या 16 फरवरी को पेश करेगी बजट, लोगों को मिल सकती है राहत। दिल्ली में सीलिंग के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी, बंद रहा लाजपत नगर बाजार, लगा रहे थे एमसीडी के खिलाफ नारे। पटना में नाबालिग प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, लड़की के भाइयों ने जमकर पीटा, बाद में बहन की हत्या कर शव को किया गायब, अब पुलिस कर रही है मामले की जांच। आतंकी संगठन आईएस की करतूत का खुलासा, महिला को करते हैं सामान की तरह इस्तेमाल, एबीवीपी ने किया खुलासा।